बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, रिज़्क़ के दरवाज़े क्यों बंद होते हैं? क्या ये गुनाह तुम्हारे घर में तो नहीं होते? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि ये गुनाह करने वाले के घर कभी दौलत नहीं आया करती। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या अली, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए। जब उनका विसाल हुआ तो उस वक़्त भी वो अमीर ही थे, उनसे कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं लेकिन बाद में वो गरीब हो जाते हैं। उन लोगों से रिज़्क़ छीन लिया जाता है। तो उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं, रिज़्क़ को तंग कर देते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए इंसान, पांच गुनाह ऐसे हैं जिसको करने से रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके रिज़्क़ में कमी आना शुरू हो जाती है। उसने पूछा, हज़रत वो पांच गुनाह कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो पांच गुनाह ये हैं। नंबर एक, सूद खाना। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं उन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। नंबर दो, नेक मुत्तकी औरत पर तोहमत लगाना। कि तुम किसी नेक और परहेजगार औरत पर इल्ज़ाम या तोहमत लगाओ तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती है, जिस पर हर घड़ी रहमत की बारिश बरसती रहती है, नमाज अदा करती है, बापर्दा है, मुत्तकी परहेजगार है। जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं मैं उस वक़्त तक उन लोगों को मुआफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतें उनको मुआफ़ नहीं करेंगी जिन पर तोहमत लगाई गई थी। नंबर तीन, शिरक करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। रोज़े महशर में अल्लाह ताला हर गुनाह को मुआफ़ कर सकता है, उसके गुनाह चाहे आसमान और ज़मीन में मौजूद चीज़ों से भी ज़्यादा हों। इस इंसान को चाहे तो मुआफ़ कर देगा लेकिन शिरक करने वाले को कभी मुआफ़ नहीं करेगा। काफिर की कभी भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर चार, जादू करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी पर जादू करना, किसी का जीना हराम करना, किसी की खुशियों को छीनने के लिए उस पर जादू करना, उसको जादू के ज़रिए ख़त्म करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जादू करने वाला इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब किसी जादूगर की मौत होती है तो वो काफिर मरता है। जादूगर की मौत कभी भी ईमान पर नहीं होती। नंबर पाँच, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी को दुख और तकलीफ़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। किसी को दुख और तकलीफ़ देना, किसी का जीना हराम करके खुद खुश होना, किसी को रुलाकर खुद हंसना सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इन पांच बंदों से अल्लाह ताला रोज़े क़यामत सख्त हिसाब लेगा और दुनिया में इन पांच बंदों से रिज़्क छीन लिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी रिज़्क से महरूम हो जाता है गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार करता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमाए और हमें गैब से कुशादा रिज़्क अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मुस्लिम कहानी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।